तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के हाल ही में पंचायत चुनाव में चुने गए सभी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में सीएम योगी ने संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए साफ सफाई, कोरोना टीकाकरण के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने के साथ ही पौधारोपण में भागीदारी का आग्रह किया है। सीएम योगी ने पत्र में लिखा कि प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में कोरोना को नियंत्रित करने में उल्लेखित सफलता हासिल की है। इस काम में ग्राम प्रधानों में गठित निगरानी समितियों की भी अहम भूमिका रही। उन्होंने कहा, विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना की तीसरी संभावित लहर से पहले हमें अपने टीकाकरण अभियान की गति को और तेज करने की जरूरत है। साथ ही आने वाले समय में अन्य संक्रामक बीमारियों से भी जन सामान्य को, खासतौर पर बच्चों को सुरक्षित रखना है। तो वहीं दूसरी तरफ मिर्जापुर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जीआईसी के मैदान में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। आपको बता दें, डिप्टी सीएम पहले मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने वाले थे, लेकिन 12 बजे कपाट बंद होने के कारण दर्शन नहीं हो सके। तो वहीं लोगों में डिप्टी सीएम के कार्यक्रम को लेकर उत्साह नहीं देखा गया। कार्यक्रम के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से बातचीत भी की, जिस दौरान उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कहा कि इस पर सरकार गंभीरता से सोच रही है और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ से अपने संबंध के बारे में भी बात की। केंद्र और प्रदेश की सरकार का खजाना उत्तर प्रदेश के गांव गरीब किसान के लिए, सड़कों के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, सबके लिए खुला हुआ है और आगे भी खुला रहेगा। सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है और जो भी प्रदेश के देश के हित में होगा हर वह कदम उठाया जाएगा। न तुष्टिकरण की राजनीति हो, धर्मांतरण गुमराह करके करेगा, लालच देकर के करेगा, विदेशी पैसा लेकर के करेगा, तो उसके लिए माता निवासी मैया के आशीर्वाद से। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए पूर्व मंत्री जितेन प्रसाद पहली बार अपने गृह जनपद हरदोई पहुंचे, जहां उनका भाजपा विधायक रामकुमार अग्रवाल के समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान जितेन प्रसाद ने कहा, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को सशक्त स्थान दिला रही है और दिलाएगी। इस दौरान जितेन ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, क्षेत्रीय दल देश का भला नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षा ध्यान करने का अवसर और ये सही माने में अगर आज देश में देखा जाए कोई राष्ट्रीय दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी, जहाँ नीति साफ है, संगठन का महत्व है, कार्यकर्ताओं के का समायोजन है और जो संस्थागत तरीके से भारतीय जनता पार्टी चल रही है। बाकी क्षेत्रीय दल जो हैं वो बड़े नेता उनके हो सकते हैं, मगर नेता लोगों ने पार्टियाँ बना दी, पार्टी ने नेता नहीं बनाया। और जो क्षेत्रीय दल हैं वो देश का कभी भला नहीं कर सकते। अगर देश का भला कोई पार्टी कर सकती है, भला कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी और सशक्त नेतृत्व प्रधानमंत्री। देश देख रहा है और आप भी जान रहे हैं क्या वहाँ परिस्थितियाँ हैं और क्या हो रहा है। और अभी तो मैं इतना ही कहूँगा, मैंने पहले भी कहा है कि प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है देश में और जो भारतीय जनता पार्टी जो है यही एकमात्र पार्टी है जो आने वाले दशक में भारत को जो विश्व स्थान दिलवाएगी। तो आज जरूरत है प्रधानमंत्री के पीछे लामबंद होने की। भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन का धर्म निभाते हुए अपने सहयोगी दल अपना दल सोने लाल को जिला पंचायत अध्यक्ष के 75 पदों में से 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की मोहर लगा दी है। अपना दल सोने लाल की नेता अनुप्रिया पटेल ने बीते दिनों नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनके आवास पर मुलाकात कीजिएगा। इसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ से भी उनकी मुलाकात हुई थी। अपना दल को जौनपुर और सोनभद्र की सीटें दी गई हैं। अब पार्टी इन दोनों जिलों में अपना प्रत्याशी तय करके उनके नामों की घोषणा करेगी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से मुंबई में आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें तमाम सदस्यों के साथ ही चंपत राय भी मौजूद रहे। ऐसा माना जा रहा है कि अचानक बुलाई गई इस बैठक में राम मंदिर निर्माण की तेजी के साथ ही जमीन विवाद पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। तो बड़ा मसला था ये, आपको बता दें कि पिछले दिनों लगातार अयोध्या में विवादों की झड़ी लग गई।
राम जन्मभूमि ट्रस्ट विवादों में लगातार फंसी हुई है। ऐसे में मुंबई में आपात बैठक बुलाई गई जिसमें चंपत राय भी मौजूद हैं। संभवतः ये जानकारी मिल रही है कि चंपत राय से जमीन विवाद के मसले पर विस्तार से पूछताछ भी हो सकती है और वो अपनी बात रख भी सकते हैं पटल पर। तो वहीं धर्मांतरण के मामले में उमर गौतम और जहांगीर से एटीएस की पूछताछ में लगातार एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब ये बात सामने आई है कि जहांगीर गरीबों को 2000 रुपए का लालच देकर उनको उनका धर्म परिवर्तित कराता था, तो वहीं बात ये भी सामने आई है कि उमर गौतम लखनऊ से संचालित हो रही संस्थान अल हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन का पदाधिकारी भी है, जहां 10वीं तक सीबीएसई बोर्ड के इस स्कूल में लगभग 500 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का भी दावा किया जा रहा है। इसके अलावा हरदोई के रसूलपुर इलाके में भी एक गर्ल्स स्कूल चल रहा है। वहीं इस कड़ी में जिला पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट एटीएस को सौंप दी है। इसमें उमर के 6 भाइयों के परिवार सहित करीबन 70 लोगों की सूची है। इनमें 5 से 6 नाम सफेदपोशों के भी बताए जा रहे हैं। तो वहीं जनपद मुजफ्फरनगर में लव जिहाद का मामला सामने आया जिसमें आरोपी भोली भाली लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता था और फिर उसके बाद भगा ले जाता था, फिर उनका धर्मांतरण करवाता था। मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह करके अपने घर में रखते हैं। जनपद के थाना खतौली कोतवाली में उस समय हिंदूवादी संगठनों के लोगों और महिलाओं ने हंगामा शुरू कर दिया जब सूचना मिली कि जनपद हमीरपुर से बेला फुसला कर लाई गई 2 युवतियां कस्बा खतौली में मुस्लिम परिवार में कैद हैं, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कार्रवाई करते हुए दोनों महिलाओं को बरामद किया है। हालांकि उन्हें प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण करने वाले आरोपी मौके से रफूचक्कर हो गए। पुलिस ने एक आरोपी के भाई और उसकी मां को पूछताछ के लिए हिरासत में जरूर ले लिया है और पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुट भी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पवन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। पवन, क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ पूरा मामला है, तमाम दर्शकों को एक बार बता दें। जी पूजा, मैं आपको बताता हूँ। कल खतौली थाना क्षेत्र के कस्बा खतौली का मामला था, जहां जो वार्ड मेंबर हैं उन्हें एक जानकारी मिली थी कि कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के कागज बनवाना चाह रहा है। उसने उससे उसका आधार कार्ड मांगा, लेकिन वो कई दिनों तक आधार कार्ड अवेलेबल नहीं कराया पाया, तो उसके बाद ही उसे शकवा उसने पुलिस को सूचना दी, जिसे पुलिस ने छानबीन करते हुए लड़कियों को वहां से बरामद किया है। और जैसे ही ये सूचना हिंदू संगठनों को मिली तो हिंदू संगठनों ने कोतवाली में आकर और हिंदू संगठन की महिलाएं जो थी उन लोगों ने आकर खतौली पुलिस से बात की, तभी बड़ी कार्रवाई करते हुए खतौली पुलिस ने आरोपी वसीम और पवन। ये कहा जा रहा है कि ये युवती हमीरपुर की है, तो हमीरपुर में किस क्षेत्र की है, क्या इनके परिजनों ने कोई सूचना नहीं दी थी पुलिस में, क्या इस तरह की कोई जानकारी अभी तक पुलिस जुटा पाई है खतौली की? जी पूजा, मैं आपको बता दूं, ये हमीरपुर जनपद के राट क्षेत्र की दोनों लड़कियां थी और वहां पर दोनों लड़कियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखी हुई है, मुकदमा दर्ज है। आज हमीरपुर पुलिस मुजफ्फरनगर पहुंची है और दोनों लड़कियों को अपनी सुपुर्दगी में लेकर वापिस हमीरपुर के लिए निकलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं पूजा, इस जैसे ही ये सूचना हिंदू संगठनों को मिली तो हिंदू संगठनों ने जो शहर काजी थे जिन्होंने ये क्या नाम इनका कागज बनाए थे धर्मांतरण के, उनके खिलाफ भी एक तहरीर लेकर खतौली थाने में घेराव किया गया है। उनसे बात की गई है कि अगर 2 दिन के अंदर इन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होता, जो गवाह थे मेरठ निवासी 2 गवाह है उनके ऊपर अगर मुकदमा नहीं होता, शहर काजी के ऊपर अगर मुकदमा नहीं होता खतौली के, तो 2 दिन के बाद यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। और हमीरपुर की पुलिस उन दोनों लड़कियों को लेकर हमीरपुर के लिए निकल चुकी है यहाँ से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राम जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको, लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर अखिलेश यादव के तमाम कार्यकर्ता जुटे, जिसमें पंचायत चुनावों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद सपा ने जौनपुर जिले की सीट को लेकर के भी चर्चा की और 2022 विधानसभा चुनाव में मजबूती से धरातल पर उतरने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने इस बैठक में जिलाध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख सहित पश्चिमी जिले के नेता भी शामिल हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनिल के अंकुर हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। अनिल जी, जिस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, इसमें अखिलेश यादव हमलावर भी हैं सत्ता पक्ष पे और दूसरी तरफ माइक्रो मैनेजमेंट का भी परिचय दे रहे हैं। आज मीटिंग थी, मीटिंग में ठीक वही देखने को मिला।
इन्होंने जोन में बांट दिया है क्षेत्रों को। जोन में बांटने के बाद नाम मंगाए जा रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से काम किया जाए, तमाम जो कैडर है कैडर बेस्ड काम करने की कोशिश हो रही है। एक बार देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात थी कि जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर ये बात कही जा रही थी कि वो घर में बैठ के काम करना चाहते हैं, फील्ड पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब उस मिथ्या को उन्होंने तोड़ दिया है। अब लगातार तबाह तोड़ बैठ के शुरू हो गई है। जिस तरीके से चुनावी माहौल बन रहा है वहां, वैसे वैसे यहाँ पे सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। लगातार उनकी बैठकें चल रही है, कल भी बैठक थी, परसों बैठक थी, आज भी उनकी बैठक चली। आज उन्होंने पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक, सांसद और उनके जमाने में रहे मंत्री, उन सबके साथ बैठक की। इसमें तमाम मुद्दों पर बात हुई। सबसे मुद्दा यह था कि पिछले 2016 के चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी के 60 जिला पंचायत अध्यक्ष जीते थे, 74 में से 60 जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जीते, जिसमें 38 निर्विरोध जीते थे और उसमें 23 महिलाएं जीती थी। यही स्थिति इस बार भी कायम रखी जाए, इसके लिए उन्होंने लगातार प्रयास जारी है। आज की बैठक में यह भी कहा गया कि यही एक जरिया होगा, जिसके जरिए हम कैमरा मैच दिखाऊंगा कि क्या जरिया होगा। इसी जरिए चलिए, जो आप देख रहे हैं सामने समाजवादी पार्टी कार्यालय में साइकिल के चिन्ह बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ 22 में 22 किल। तो इनका जो जरिया है ये जिला पंचायत अध्यक्ष, जो ग्राम पंचायत अध्यक्ष के जरिए वो 22 मतलब विधानसभा के जो 2022 में चुनाव होने हैं उसको पूरी तरह से देख के चलना है। जी पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में ब्यूरो चीफ जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि 22 में बाइसिकल, जी हाँ ये अखिलेश यादव का नारा है और पुख्ता माइक्रो मैनेजमेंट का परिचय भी। छोटे छोटे जोन से लोगों को बुलाया गया है और साथ में किस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों पर फतेह हासिल की जाए, इस पर रणनीति भी बन रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायबरेली के लालगंज थाना क्षेत्र के सेमरपहा गांव से एक युवक के अपना धर्म छिपाकर युवती से शादी करने का एक मामला सामने आया, जिसको लेकर युवती के परिजनों ने पुलिस स्टेशन में युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बताया यह भी जा रहा है कि एक मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू बताकर युवती से प्रेम विवाह किया था। शादी के कुछ ही दिनों बाद युवक लड़की पर दहेज के लिए दबाव बनाने लगा। विवाद होने पर युवक के धर्म का खुलासा हुआ, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत की है। तो वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित युवक को गिरफ्तार। क्या नाम? थाना लालगंज पर एक महिला द्वारा यह तहरीर दी गई कि वह एक विधवा है और मोहम्मद गब्बर नाम के व्यक्ति ने खुद अपना नाम बउआ लोध बताते हुए उससे शादी की। शादी के कुछ दिन बाद उसके गहने बेच दिए और उससे मारपीट करने लगा। इस तहरीर पर लालगंज थाने में अभियोग पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने 2022 विधानसभा चुनाव जीतने के लिए जातिगत समीकरण भी साधने पर काम शुरू कर दिया है। प्रदेश में सपा जल्द ही जातीय सम्मेलन की शुरुआत करने वाली है। सपा सबसे पहले वैश्य समाज को जोड़ने के लिए वैश्य सम्मेलन की तैयारी कर रही है। सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन ने अखिलेश यादव के सरकार जिला पंचायत अध्यक्ष वाले ट्वीट के मामले में पुलिस अधिकारियों और जिलाधिकारियों को धमकी देते हुए बताया कि जिस तरह से जिला पंचायत सदस्यों को और सपा के प्रत्याशियों को धमकाया जा रहा है, उन अधिकारियों को समझना चाहिए कि 6 महीने के बाद सरकार बदलने वाली है। जिला पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार गई। उनके जिला पंचायत सदस्य लखनऊ में 3 जीते हैं, आप अयोध्या हार गए, बनारस हार गए, गोरखपुर हार गए, प्रयागराज हार गए, चित्रकूट हार गए, मथुरा हार गए। कौन सा जिला है जहां आप जीते हैं? और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अब बैठक करके हर जिले में एक मंत्री लगा दिए और कहा कि सुनिश्चित करें कि 75 में 65 चुनाव जीत करके आएंगे। कैसे जीत करके आएंगे? डीएम और कप्तान अब आपका एजेंट बन के काम करेगा। अब कप्तान और डीएम प्रत्याशियों को धमकाएंगे कि आप पर्चा ना खरीदो, आप नामांकन ना करो। मुझे लगता है ये अधिकारियों को ये बात भी याद रखनी चाहिए कि 6 महीने बाद आपको इसी उत्तर प्रदेश में काम करना है, तो आप अपनी मर्यादा में रह करके काम करें। तो ये खुली धमकी है और खुला आरोप भी। दूसरी तरफ शिया धर्मगुरु मौलाना कल्वे जव्वाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाल ही में हुए शिया वक्फ बोर्ड के चुनावों को लेकर कई आरोप लगाए। मौलाना कल्वे जव्वाद ने कहा कि शिया वक्फ बोर्ड के चुनाव में धांधली हुई है। उन्होंने वसीम रिजवी पर पुलिस का एजेंट बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इतनी धांधलियां होने के बाद भी वसीम रिजवी पर पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती है।
कमिश्नर से बात कर वसीम के खिलाफ दी गई तहरीर है, जिसके बावजूद उन पर आज तक एफआईआर तक नहीं हुई। इस बात पर अपने आदमी को एफ आई आर कर रही है कि उन्होंने चोरी का माल किया कि क्यों वापस, और इसके ऊपर इतने बड़े बड़े इल्जाम हैं और सब कमिश्नर तक कह रहे हैं कि हम मजबूर हैं, हम तो एफ आई आर नहीं कर। कोई ना कोई फोन आ जाता है, जब भी जाइए तो वो इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं वो फोन आता है, वो अंदर जाते हैं, अंदर जाके फोन रिसीव करते हैं, बाहर आकर कहते हैं साहब लोग मजबूर हैं हम लोग। वहीं आगरा के पारस अस्पताल में दम घोटू मॉकड्रिल मामले में हकीकत जानने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई, लेकिन इस कमेटी के सदस्य पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शरद गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कमेटी की सत्यनिष्ठा और जांच रिपोर्ट पर उठ रहे सवालों से आहत होकर कमेटी के चेयरमैन और आईएमए अध्यक्ष को इस्तीफा भेजा है। उन्होंने कहा कि आईएमए दागदार हो रहा है। दो दिनों से दैनिक समाचार पत्रों में कई लोगों की भूमिका को कटघरे में खड़ा किया गया, और जहां तक एक सत्यनिष्ठा पे भी आंच आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि हम शायद सत्यता से जांच नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं किसी को बचा रहे हैं। तो ऐसे में जब हम मेरी सत्यनिष्ठा ही दांव पे लग जाए और मैं खुद जब जनता की तरफ से फरियाद करता हूं, तो मैं कहीं किसी को ये नहीं चाहता कि कहीं कोई ऐसा ना चला जाए संदेश कि हमने कोई ऐसा गलत काम किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार को ट्रेन के जरिए उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित अपने जन्मस्थान पहुंचेंगे, जहां वो अपने दोस्तों और स्कूल के सहपाठियों से भी मुलाकात करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति के आने के एक घंटे पहले और एक घंटे बाद तक कानपुर सेंट्रल के 4 प्लेटफॉर्म्स पर आवागमन बंद रहेगा। 15 साल के अंतराल के बाद ये पहली बार है जब कोई राष्ट्रपति ट्रेन के जरिए यात्रा करते हुए गंतव्य तक पहुंचने वाले हैं। राष्ट्रपति के आने पर क्या है परोख, यानी कि उनके पत्र गांव की तस्वीर आपको इस रिपोर्ट में देखनी चाहिए। और ऐसे में जनता टीवी कह रहा है स्वागतम महामहिम। कहते हैं अधिकारियों पर जब शासन की लाठी चलने को आमादा होती है तो सूबे की नब्ज में विकास तेजी से दौड़ने लगता है। ऐसे ही क्षेत्र की नसों में विकास दौड़ा है, इस बार देहातपुर के परोख गांव में। यहां पूरे 5 साल का विकास महज 10 दिनों में हो गया। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 27 जून को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात स्थित अपने जन्म स्थान परोख गाँव आएंगे, लेकिन उनके इस दौरे के महज 10 दिन पहले परोख गांव की तस्वीर ही बदल गई। चौतरफा इंटरलॉकिंग, खड़ंजा निर्माण, पार्क, नाली की सफाई, टाइल्स, पत्थर सब जमा दिया गया है। गांव को चमकाने के लिए दिन भर में 3 बार झाड़ू लगवाई जा रही है। सालों से बजबजा रही नाली की सिल्ट निकाल कर चमकाया जा रहा है। खम्भों पर स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है। अब मसले की गंभीरता को इसी बात से समझ लीजिए कि आसपास के 20 गांवों के सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी गांव में लगाई गई है। 4 गुना ज्यादा मजदूर लगकर 24 घंटे में 2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन की मरम्मत के साथ ही रंगाई, पुताई, पंखे, ट्यूबलाइट सहित एक एक चीज का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। राष्ट्रपति के आगमन के लिए ट्रेन रूट को बिल्कुल ग्रीन कॉरिडोर की तरह बनाया गया है, जहां सभी ट्रेनों का आवागमन या तो रोक दिया गया है या तब्दील कर दिया गया है। सभी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए अधिकारियों ने गांव में डेरा जमा लिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार अपने जन्म स्थान गाँव परोख आ रहे हैं। राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर लैंड कराने के लिए हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। उनका स्वागत करने के लिए प्रोटोकॉल के तहत देश के लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायतों के 9 प्रधान मौजूद रहेंगे। तो वहीं तैयारियों में तेजी लाने और जायजा लेने के लिए आला अधिकारी लगातार दौरे और बैठकें कर रहे हैं।
महीम महोदय कानपुर देहात जनपद में 27 तारीख में रहेंगे, तो उसी क्रम में परौक और पिछड़ाया कस्बे में उनके कार्यक्रम है। इसी सिलसिले में आज मैं और कप्तान साहब हमारे सभी अधिकारीगण आए थे भ्रमण करने के लिए, जहाँ जहाँ महामहिम महोदय के कार्यक्रम संभावित हैं प्रस्तावित हैं वहाँ की तैयारियों का आकलन करने के लिए, इसी दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ पर आए। वहीं कानपुर देहात निवासी सतीश मिश्रा को जैसे ही राष्ट्रपति के आने की जानकारी मिली उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, और खुशी हो भी क्यों ना, उनके 30 साल पुराने मित्र से मुलाकात जो होगी बहुत बड़ी बात होती है कि इस पोस्ट पे पहुंचने के बाद भी आदमी अपने पुराने लोगों को, अपने पुराने साथियों को जिनसे उनका आगाज स्नेह प्रेम रहा वो नहीं भूले, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत बड़ी सहृदयता होती है। राष्ट्रपति जी मित्र की मित्रता निभाने उनसे मिलने के लिए यहाँ तो पहुँच ही रहे हैं, साथ ही गांव के लोगों में भी काफी उत्साह और खुशी देखी जा रही है। खुशी लाजमी भी है, आखिर 5 साल का विकास 10 दिन में जो हो गया, गांव का सूरत हाल जो बदल गया। जनता टीवी के लिए कानपुर देहात से गौरव शुक्ला और डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो ये तेजी ये तो बताती है कि काम हो सकता है, बस नियत होनी चाहिए, नियत नहीं होती इसीलिए विकास नहीं होता। देखिए कानपुर देहात में किस तरीके से नसों में विकास दौड़ रहा है, कितनी तेजी से। बहुत छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।